नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7। मैं हूं प्रवीण तनेजा। मुझे बहुत दुख है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरे भावी अकादमिक भविष्य को खत्म कर दिया। डॉक्टर मुकेश कुमार मालवीय वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय विधि संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश कुमार मालवीय ने विश्वविद्यालय स्थित अपने चैम्बर में पत्रकारों से बताया कि आदरणीय मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत दुख है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरे भावी अकादमिक भविष्य को ख़त्म कर दिया गया है और मुझे काफ़ी पीछे ढकेल दिया गया है ताकि मैं सीनियर ना बन सकूँ। पूरी योग्यता होने के बावजूद भी डायरेक्ट वैकेंसी रोलिंग ADVT नंबर 06/2023-24 टीचिंग पोस्ट फैकल्टी ऑफ लॉ BHU वाराणसी में OBC वर्ग के अंतर्गत प्रोफेसर पोस्ट कोड FOL10101 और एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट कोड FOL20101 की चयन प्रक्रिया पारदर्शी ना होने तथा मनमाने तरीके से अकामिक एवं वर्ग भेदभाव हुआ है। 2020 में रोलिंग ADVT नंबर 01/2020-21 लॉ BHU के अंतर्गत आरक्षित OBC प्रोफेसर पद कोड 10181 के लिए सिंगल एलिजिबल कैंडिडेट हो कर मेरे साथ अन्याय करते हुए मेरा इंटरव्यू BHU द्वारा नहीं लिया गया है था, जबकि अन्य विभागों में लिया गया था और मेरे साथ भेदभाव और अन्याय किया गया था। वर्तमान में प्रोफेसर पोस्ट कोड FOL10101 रोलिंग ADVT 06/2023-24 टीचिंग पोस्ट फैकल्टी ऑफ लॉ BHU जिसका प्रेजेंटेशन इंटरव्यू 15-16 मार्च 2024 हुआ। इस बार तो हद ही हो गई क्योंकि आरक्षित OBC वर्ग विशेष की विधि विषय की 3 पोस्ट थी, 01 पोस्ट प्रोफेसर, 02 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर में सभी अकादमिक योग्यता और बहुत अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड के साथ अच्छा प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू हुआ। BHU ने प्रोफेसर पद कोड FOL10101 आरक्षित OBC पोस्ट को NFS कर दिया गया है, जो कि अत्यंत दुखदायी है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर पद की 2 पोस्ट लिए एक ही संकाय विधि संकाय कोड FOL20101 मुझे से 6-7 साल जूनियरों को का सिलेक्शन हो गया है, जबकि यह मेरे बहुत जूनियर थे तथा उन दोनों का सभी तरह का अकादमिक रिकॉर्ड मेरे मुकाबले बहुत अच्छा नहीं था। मेरी योग्यता को दिनांक 19 मार्च 2024 को मीडिया ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 के लिए मुकेश पांडे, वाराणसी। जी डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले आपके द्वारा जो BHU प्रशासन में भेदभाव और तमाम बातों को लेकर के विरोध सामने सर आया था, क्या कहना चाहते हैं, अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बताएं। जी मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मालवीय विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। चूँकि 15 और 16 मार्च को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू करवाया था और मैं एक सही और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ एक योग्य उम्मीदवार था। चूँकि मेरे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जस्टिस नहीं किया गया, न्याय नहीं दिया गया, प्रोफेसर की सीट को NFS कर दिया गया और एसोसिएट प्रोफेसर में हमसे बहुत जूनियर लोगों को लिया गया। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक तरीके का वर्ग भेदभाव था और एक तरीके का ये योग्यता वाला भेदभाव था। इसके लिए मैंने सम्माननीय मीडिया के समक्ष 19 मार्च को बात रखी थी, परंतु ये देखने में आया कि तमाम अधिकारियों को, कुलपति महोदय को और तमाम बड़े बड़े जो अधिकारियों को मैंने पत्र लिखे और मेरी भेदभाव से मैंने अवगत कराया और NFS कोई रूल नहीं होता है ये भी मैंने अवगत कराया, परंतु अभी तक मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ये देखिए
ये शॉर्ट लिस्ट की ये फाइनल लिस्ट है जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर दोनों के लिए मैं जो है एलिजिबल कैंडिडेट था। आप यदि इनके काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विज्ञापन देखेंगे जो 2023 और 24 छठवें महीने का है, इस विज्ञापन में भी जो एसोसिएट प्रोफेसर की ये सारी योग्यता मेरे पास थी और यहाँ तक कि मैं LLB, LLM, MPhil सबका गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, PhD किया हूँ, कई लोगों को मैंने PhD खुद करवाया है, मैं अच्छा निर्देशक रहा हूँ और हूँ अभी वर्तमान में, साथ ही साथ मैं खुद भी LLD कर रहा हूँ और जितने रिसर्च पेपर होने चाहिए थे सारे रिसर्च पेपर मैंने लिखे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखे हैं, बहुत पुस्तकें लिखी है और जितनी आवश्यकताएँ हैं एक क्राइटेरिया है प्रोफेसर पोस्ट के लिए या एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए वो सारी फुलफिल करता हूँ, परंतु उसके बावजूद वैकेंसी आई थी प्रोफेसर पोस्ट के लिए, परंतु मैं अकेला सिंगल एलिजिबल कैंडिडेट था। इन लोगों ने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने मेरा उस समय इंटर नहीं करवाया कि ऑर्डिनेंस 11A1 के अंतर्गत आप जो है एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि उसमें OBC और जनरल को जो है सिंगल एलिजिबल के लिए जो है इंटरव्यू नहीं देने के लिए कहा गया, परंतु एक्चुअल में आप इसमें इसके पेज नंबर 460 में भी देख सकते हैं कि कहीं पर भी OBC और जनरल के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा है, आप रूल देख सकते हैं और सारी योग्यता होने के बावजूद भी। जी डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बातें तो उस दिन भी हम लोग सुन चुके थे, तो आप कानून के जानकार हैं और तमाम आप विद्यार्थियों को भी कानून की शिक्षा देते हैं, इस चीज़ को आप कानूनी रूप से हैंडल आप क्यों नहीं करते हैं, कानून से आप क्यों नहीं इसको फाइट करते हैं सर? चूँकि मैंने इस समय जो है तमाम ऐसे आला अफसर को जो है उनके दरवाजे खटखटाए हैं और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बता दूं कि जिस स्क्रूटनी कमेटी ने फॉर्म को चेक किया था वही स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य वहां पर जो है अभ्यर्थी के तौर पर भी थे, साथ ही साथ आचार संहिता के दिन इंटरव्यू मेरा हुआ और आचार संहिता के दिन ही इन्होंने लिफाफा ओपन कर दिया, बिना EC के लिफाफा ओपन कर दिया। इन तमाम ऐसे जो लीगल पॉइंट्स हैं इनको उठाते हुए मैं माननीय सम्माननीय कोर्ट के पास भी पहुंच रहा हूं बहुत जल्द और जल्द से जल्द जो है मैं प्रयास करूंगा कि सम्माननीय कोर्ट मुझे न्याय दिलाए और मैंने माननीय कुलपति महोदय जी को भी इस बात का पत्र दिया है, अवगत कराया बहुत पहले ईमेल के थ्रू सब चीज़ों के थ्रू, परंतु अभी तक किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया है और ये बहुत एक घोर निराशा की बात है, चिंताजनक बात है कि हमारे देश में ऐसे ही OBC समाज के साथ और ST/SC समाज के साथ इस प्रकार का अन्याय किया जाता है और ऐसी सीट को बाद में NFS करके जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो बहुत घोर निराशाजनक है। UGC चाहती है, माननीय UGC चाहती है कि हर स्तर पर हर तबके का स्थान निश्चित किया जाए, परंतु बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का यदि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है तो ये घोर निराशाजनक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरे देश में OBC के प्रोफेसर का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में परसेंटेज देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनका बहुत कम परसेंट है और जानबूझ के उनके साथ अन्याय किया जाता है। NFS रूल किसी पुस्तक या रूल में नहीं लिखा है, उसके बाद भी मुझे NFS किया, एक वास्तव में निराशाजनक है, चिंताजनक है। मेरे जैसे योग्य व्यक्ति की जो आत्मा है वह दुखी है और मैं बहुत पीड़ित हूँ। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उपराष्ट्रपति सर, इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय न्यायालय, इसके अलावा प्रयागराज के चीफ जस्टिस सर को और मानवाधिकार आयोग, OBC आयोग, सभी को मैंने जो है पत्र लिखे हैं, साथ ही मैंने निर्वाचन आयोग को भी इस बात का पत्र लिखा है। जो आचार संहिता लगी उसमें किस तरीके से जो है आचार संहिता को उल्लंघन किया गया और जो चुनावी दौर में चुनाव को प्रभावित करने का काम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने किया, जब ये वास्तव में एक